सब्सक्राइब करें टेक्नो मोहित को और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले। वेलकम टू टेक्नो मोहित। सीक्रेट्स हर कोई जानना चाहता है, चाहे वो सीक्रेट्स मोबाइल के हों या किसी और के। सीक्रेट्स ही आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसे एंड्रॉइड के सीक्रेट सेटिंग जो आप शायद नहीं जानते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सीक्रेट सेटिंग है, आपको जाना है सेटिंग्स में। जब आप सेटिंग्स में विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ऑप्शन मिलेगा इजी मोड। जब हम इजी मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलने वाले हैं, एक तो स्टैंडर्ड मोड है और दूसरा इजी मोड है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड मोड होता है, जैसा कि हम देखते हैं इंटरफेस मोबाइल का, वो होता है स्टैंडर्ड मोड। लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे इजी मोड के ऊपर तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर जो आइकन के साइज़ हैं वो काफ़ी बड़े हो जाएंगे और नीचे से भी आप यहाँ पर ऑप्शंस को अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली डन के ऊपर क्लिक करना है और अभी आप देखेंगे आपका जो इंटरफेस है वो टोटली चेंज हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस लिखा हुआ आ रहा है। आपने यहाँ पर एप्लीकेशंस को ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और ये देखिए आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल रही हैं। अगर हम और ऐप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अभी यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, जो ऐप का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये एक हिडन फीचर, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है, अगर फ्रेंड्स आप फ़ोटोज़ क्लिक करने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलती है कि आप कैमरे को बहुत जल्दी ओपन कर सकती हैं। कैसे, आपको जाना है एडवांस्ड फीचर में। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्विक कैमरे की ऑप्शन मिल जाती है, सिंपली आपने इसे अनेबल कर लेना है। अनेबल करने के बाद जब आप यहाँ पर होम की को डबल बार प्रेस करेंगे तो आपके सामने सीधा कैमरा खुल जाएगा। और अगर आप इस ऑप्शन को अनेबल करना चाहते हैं तो अनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग सिक्योरिटी के बारे में है, तो इसीलिए आपको विजिट करना है लॉक स्क्रीन एंड सेटिंग्स के ऊपर। सिक्योरिटी के ऊपर जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर हम लॉक स्क्रीन के ऊपर बात करें तो ये तो नॉर्मल फीचर है जो कि आप यूज़ करते हैं, स्वाइप पैटर्न आप लॉक लगा सकते हैं अपने मोबाइल को। लेकिन अगर आप मोबाइल के साथ साथ अपने सिम कार्ड को भी लॉक लगाना चाहते हैं कि कहीं आपका सिम कार्ड कोई और ना यूज़ कर ले, वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, इमेजेस, या वहाँ से आपने कोई और इन्फॉर्मेशन अपने सिम कार्ड में स्टोर करके रखी है तो उसे कोई लेना ले, तो आप यहाँ पर सिम कार्ड को भी लॉक लगा सकते हैं। जब आप अपने सिम कार्ड को अपने मोबाइल के अंदर या किसी और मोबाइल के अंदर इंसर्ट करेंगे तो आपको एक पिन फिल करना पड़ेगा, तो आप फिर ही अपने सिम को, ठीक है, यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप प्राइवेसी यूज़ कर सकते हैं। आपको जाना है अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको सेटअप सिम कार्ड लॉक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखिए, अगर आप सिम वन के ऊपर लॉक लगाना चाहते हैं तो आप इसे अनेबल कर सकते हैं, अगर आप सिम टू के ऊपर लॉक लगाना चाहते हैं तो आप उसे अनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सिम टू के ऊपर लॉक लगा कर आपको दिखा देता हूँ। सिंपली हम इसे ऑन करना है, ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर करंट पासवर्ड को फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं ओके करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ पासवर्ड को तो यहाँ पर हमें चेंज की भी ऑप्शन मिल जाती है। अब क्या है कि जब आप अपने सिम कार्ड को अपने फ़ोन में एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सबसे पहले आपको एक पासवर्ड फिल करना होगा, तो फिर ही आपका सिम कार्ड चलेगा। अगर दूसरा पर्सन सिम कार्ड, ठीक है, आपका यूज़ करता है और उसको पासवर्ड नहीं पता तो वो आपका सिम कार्ड यूज़ नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट आपको डेवलपर ऑप्शंस के ऊपर विजिट करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शो सीपीयू यूजेस। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आपने इसे अनेबल करना है। जब आप यहाँ पर इसे अनेबल करेंगे तो आप यहाँ पर टॉप राइट के ऊपर देख सकते हैं कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, तो हम इस प्रोसेसिंग से अपने फ़ोन के लोड होने का पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो काफ़ी अजीब सी सेटिंग है, ये एक सीक्रेट सेटिंग है जिसे हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है, आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्लेज। इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या मतलब है, अगर आप इसको, ये देखिए, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुलेंगी। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं 4K 180p आपको मिल जाता है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर 720 को सिलेक्ट करता हूँ और अभी आप देख रहे हैं इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये एक एक्चुअली मिरर की तरीके से वर्क करता है, जो कि आपको एक छोटी स्क्रीन भी यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप एक मोबाइल के ऊपर एक दूसरी स्क्रीन लेके आ सकते हैं जो कि एज ए मिरर काम करने वाली है, जो कि दिखने में काफ़ी एक अच्छा फीचर लगता है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को दूसरे हाथ से यूज़ करते हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से यूज़ करते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर उस अकॉर्डिंग से सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फोर्स RTL लेआउट का।
आपने क्या करना है, सिंपली इसे अनेबल करना है। जब आप इसे अनेबल करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी ऑप्शंस दूसरी साइड आ गई हैं और हम इसे अपने दूसरे हाथ से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी आपको यहाँ पर ऑप्शन दी गई है, ईजी आपको एक फैसिलिटी दी गई है कि आप हर तरीके से हर ऑप्शंस का यूज़ कर सकें और इन्जॉय कर सकें। आपको ये सीक्रेट्स कैसे लगे जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं या कोई सुजेशन है तो नीचे से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आप हमारी इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देख लें और सर्कल के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरीके से अपडेट सीक्रेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।